हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। सो गाइज, अगर आप लोग मॉर्निंग वाली वीडियो देखकर इस वीडियो पर आए हो तो गाइज आप लोगों को पता होगा मैं सुबह वाली वीडियो के अंदर ही आप लोगों को बोला था कि भाई आप सभी प्लेयर्स को यहां पर फ्री में जो वी वेज है वो मिलने वाला है। लेकिन गाइज वो इन्फॉर्मेशन देने में ना मेरे से थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है। अब गाइज देखो मिस्टेक क्या है। तो आज सुबह ही अपने गेम के ऊपर गाइज गिल्ड 2.0 से रिलेटेड यहां पर काफी सारी जो अपडेट्स है वो हम लोगों को बताई गई है, जिसमें गाइज आप लोग देख सकते हो यहां पर गाइज एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है न्यू गिल्ड टूर्नामेंट मोड के नाम से, जहां पर गाइज एक साइड आप लोगों को बताया गया है टॉप गिल्ड एंड नीचे यहां पर लिखा है न्यू मल्टीप्लेयर स्काइविंग। तो गाइज यहां पर ना आप लोगों को एक फ्री में स्काइविंग की स्किन मिलने वाली है। जी हां गाइज, ये स्काइविंग की स्किन ऐसी वैसी नहीं रहेगी। इस स्काइविंग के अंदर गाइज आप लोग अपने गिल्ड के चारों प्लेयर्स को लेकर बैठ सकते हो। जी हां गाइज, यहां पर कुछ बाइक टाइप की एक स्काइविंग है वो आप लोगों को मिलने वाली है, जो कि गाइज आप लोगों को अपना गिल्ड टूर्नामेंट आएगा उसके अंदर से आप लोगों को फ्री में यहां पर क्लाइम करने को मिल जाएगी। अभी मेरे पास फुल रिव्यू नहीं है, वरना तो मैं आप लोगों को फुल रिव्यू करा देता। तो भाई ये स्काइविंग का स्किन आप सभी प्लेयर्स को यहां पर फ्री में मिलेगा। एंड गाइज उसी के साइड में यहां पर लिखा है टॉप 15 गिल्ड एंड नीचे लिखा है गिल्ड वीबेज एंड कस्टमाइज अवतार। तो गाइज देखो यहां पर सुबह वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बोला था कि टॉप 15 गिल्ड्स रहेगी वो सारे प्लेयर्स को यहां पर वीबेज मिलेगा। तो भाई देखो सभी प्लेयर्स को नहीं मिलेगा, जो टॉप 15 गिल्ड्स रहेगी वो गिल्ड को यहां पर वीबेज मिलेगा। मान लो कि गाइज यहाँ पर मेरी गिल्ड है वो टॉप 15 गिल्ड के अंदर आती है, तो गाइज मेरी गिल्ड को यहाँ पर वी बेज मिलेगा, ना कि मुझे मिलेगा। मतलब प्लेयर्स को नहीं मिलेगा, जो प्लेयर्स की गिल्ड रहेगी टॉप 15 प्लेयर्स की जो गिल्ड रहेगी उनकी गिल्ड को यहाँ पर वी बेज मिलने वाला है। एंड साथ ही साथ में यहाँ पर कस्टमाइजेबल आप लोगों को अवतार भी मिलेंगे। मतलब कि गाइज यहाँ पर अलग अलग आप लोग अपने हिसाब से जो अवतार है वो भी यहाँ पर सेट कर पाओगे। ये फीचर गाइज कब से आने वाला है, तो नीचे यहाँ पर लिखा है स्टार्टिंग 11 नवंबर। एंड साइड में ये भी लिखा है एवरी सैटरडे 6:30 से लेके 10:30 PM। मतलब कि गाइज यहाँ पर हर शनिवार शाम के 6:30 बजे से लेके रात के गाइज 10:30 बजे तक ये जो टूर्नामेंट है वो चलेगा, जहां पर गाइज आप सभी प्लेयर्स को यहाँ पर जो स्काइविंग का स्किन एंड साथ ही साथ में आप लोगों की जो गिल्ड है उसको यहाँ पर वी बेज मिलेगा। तो गाइज ये एक मिस्टेक हो गई थी मेरे से सुबह वाली वीडियो के अंदर, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। साथ ही साथ में गाइज यहाँ पर एक और फीचर आने वाला है गिल्ड के अंदर, जिसका नाम है गिल्ड जायंट्स। यहाँ पर लिखा है बी पार्ट ऑफ द समथिंग बिगर। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ग्रोजा की स्किन आप लोगों को मिल जाती है। साथ ही साथ में गाइज आप लोगों को यहाँ पर एक्सक्लूसिव कस्टमाइजेबल गिल्ड अवतार भी देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज देखो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखा है गिल्ड विथ 30+ मेंबर्स बाय 10 नवंबर स्टैंड अ चांस टू विन। एंड गाइज साइड में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर लकी ड्रॉ ऐसा लिखा हुआ है। तो भाई देखो यहाँ पर कोई मतलब ड्रॉ ब्रो हो सकता है जिसके अंदर गाइज आप लोगों को मतलब स्पिन करना पड़ेगा, या फिर गाइज ऐसा हो सकता है। ओके, इसके बारे में भी मुझे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर फ्री में जो इवो ग्रोजा की स्किन है एंड साथ ही साथ में गाइज यहाँ पर आप लोगों की गिल्ड के लिए आप लोगों को कस्टमाइजेबल यहाँ पर जो अवतार है वो मिलेंगे। जैसे कि गाइज आप लोग यहाँ पर पिक के अंदर देख ही पा रहे होंगे, इस तरह के अवतार आप लोगों को मिलेंगे। तो ये इवेंट शायद आप लोगों को मतलब डायमंड से देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्रोजा की स्किन आप लोगों को मिल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों को डायमंड स्पेंड करके जो मतलब ग्रोजा की स्किन है उसको निकालना पड़ेगा। तो गाइज ये इन्फॉर्मेशन थी अपने गिल्ड 2.0 इवेंट से रिलेटेड। अभी गाइज यहाँ पर चलो मैं आप लोगों को अपने आज रात के 2 नेट अपडेट के बारे में बता देता हूँ। सो आज का गाइज अपना जो 2 नेट अपडेट होने वाला है उसका ऑफिशियल बैनर आप लोग देख सकते हो। अब गाइज देखो मैं सुबह वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताया था, तो ज्यादा मैं टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा। यहाँ पर गाइज आप लोगों को अपना जो बुया का ही वो बंडल है उसका रिंग इवेंट आज रात 12 बजे के बाद अपने गेम के ऊपर मिल जाएगा। सो आप में से गाइज कोई भी बंदा अगर वेट कर रहा है यहाँ पर अपने बुया ही वो बंडल रिटर्न का, तो आप लोगों को यहाँ पर आज रात 12 बजे के बाद मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी आईडी के ऊपर डायमंड जमा करना स्टार्ट नहीं किया है तो फटाक से यार मेंबरशिप कुछ भी आप लोग परचेस कर लेना। 6 नवंबर तक शायद चलेगा ईवो बंडल का रिंग इवेंट, तो आप लोग यहां पर निकाल पाओगे। अगला एपिसोड इसके अलावा गाइस यहाँ पर बात करें आप लोगों के नेक्स्ट अपडेट की, तो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि आप लोग 2-3 दिनों का वेट कर लो। कंफर्म होकर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि यहाँ पर जो नेक्स्ट गोल्ड रॉयल एंड वेपन रॉयल के अंदर कौन सा आप लोगों को जो आइटम है वो मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर ऑफिशियल कंफर्म हो चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गोल्ड रॉयल के अंदर आने वाले गाइस फीमेल बंडल, जो भी मेल बंडल चल रहा है उसी का फीमेल वर्जन गाइस आप लोगों को गोल्ड रॉयल के अंदर मिल जाएगा। एंड रही बात वेपन रॉयल की, तो गाइस वेपन रॉयल के अंदर आप लोगों को अपनी जो ग्रोजा की एक स्किन है वो यहाँ पर मिलने वाली है। इसका
गाइज आप लोग यहाँ पर रिव्यू देख सकते हो, इस तरह की जो स्किन है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ में गाइज यहाँ पर आप लोगों को 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक गाइज एक मिशन चलेगा, उसके अंदर गाइज आप लोगों को अपना जो न्यू कैरेक्टर है इग्निस कैरेक्टर वो आप लोगों को यहाँ पर फ्री में क्लेम करने को मिलने वाला है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर बात करें हम लोग अपने OB42 अपडेट के अंदर होने वाले कुछ चेंजेस की, तो गाइज यहाँ पर फर्स्ट चेंज का नाम होने वाला है बैटल रॉयल कॉइन चेंजेस। तो गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रखा हूँ कि आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट के अंदर कॉइन्स अभी जगह जगह पर नहीं मिलेंगे, जैसे ग्लू वॉल आप लोगों को पहले जगह जगह पर मिलते थे, उसको कैसे मतलब गरेना वालों ने बंद कर दिया, तो सेम उसी तरीके से गाइज यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट से यहाँ पर एक FF कॉइन का मशीन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का मशीन रहेगा, उसके अंदर से आप लोगों को 200-200 जो FF कॉइन है वो यहाँ पर मिलने वाले है। साथ ही साथ में गाइज यहाँ पर बैनर के अंदर हम लोगों को बताया गया है एक्सक्लूसिव वेंडिंग मशीन लूट, जिसके अंदर गाइज आप लोगों को यहाँ पर कैरेक्टर के कुछ मतलब कार्ड है वो यहाँ पर मिलने वाले है। तो वो किस तरीके से वर्क करेगा चलो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। तो गाइज जैसे आप लोग CS के अंदर डबल एक्टिव स्किल कैसे यूज कर सकते हो, तो वैसे ही गाइज नेक्स्ट अपडेट से आप लोग BR के अंदर भी यहाँ पर डबल एक्टिव स्किल का जो यूज है वो कर पाओगे। लेकिन गाइज ये स्किल आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज कर पाओगे, अगर आप लोग वेल्डिंग मशीन से या फिर कहीं से भी आप लोगों को ये जो मतलब एक्टिव स्किल वाला कार्ड मिलता है ना, तो उसको आप लोग मैप के अंदर सिर्फ एक ही बार यूज कर पाओगे। उसके बाद में अगर आप लोगों को दोबारा से भी ये कार्ड मिलता है तो उसका आप लोग यूज नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक ही बार मैप के अंदर आप लोग गेम खेलोगे तो एक ही बार इसका आप लोग यहाँ पर यूज कर पाओगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग नेक्स्ट अपडेट के अंदर दो एक्टिव स्किल का यहाँ पर BR मोड के अंदर भी यूज कर पाओगे। फिर गाइज तीसरे बैनर की हम लोग बात करें तो यहाँ पर गाइज आप लोगों को BR के अंदर कुछ न्यू आइटम्स भी देखने को मिलेगी। कौन कौन सी होने वाली है, तो यहाँ पर फर्स्ट में तो आप लोगों को मैं बता दिया एक्टिव स्किल कार्ड आप लोगों को मिलेगा जो कि वेल्डिंग मशीन से मिलने वाले है। फिर गाइज यहाँ पर सेकंड में आप लोगों को मिलता है ग्लू मेकर अपग्रेड। तो गाइज देखो नेक्स्ट अपडेट से यहाँ पर अपना जो ग्लू वॉल है वो काफी टफ होने वाला है, मतलब उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आप लोग यहाँ पर मतलब ग्लू वॉल अपग्रेड का यूज करोगे तो आप लोगों का उसका जो टाइम है वो यहाँ पर काफी लंबा चलेगा। फिर गाइज यहाँ पर उसी के नीचे आप लोगों को अदर कंसम्बल्स देखने को कुछ ऐसा लिखा है यहाँ पर कंसम्बल्स ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर, सो ये आप लोगों को मिल जाते हैं, जिसमें गाइज पहला अपना होने वाला है हीलिंग ड्रोन। इसके अंदर गाइज आप लोगों के टीममेट एंड आप लोग आओगे तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ मतलब HP मिलेगी, ऐसा गाइज एक मिनी ड्रोन यहाँ पर आने वाले जिसका नाम रहेगा हीलिंग ड्रोन। दूसरा गाइज यहाँ पर मिनी टूरटोन ऐसा कुछ इसका नाम है, मुझे आता नहीं है भाई, मैं भाई इसका जो नाम है वो पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं ले पा रहा, लेकिन आप लोग देख सकते हो इस तरह का गाइज मतलब जोमी मोड के अंदर जो मिनी यहाँ पर गन आप लोगों को मिल जाती है ना, वो आप लोगों को अभी BR के अंदर भी मिलेगी। फिर गाइज यहाँ पर तीसरा जो होने वाला है वो होने वाला गाइज अपना पोर्टल गो चिप, मतलब कि गाइज यहाँ पर अपने फ्री फायर का एनीवे डोर यहाँ पर भाई मतलब आप लोग एनीवे डोर से इधर उधर मतलब कहीं पर भी आप लोग जा पाओगे, तो आप लोगों को मैं ऑलरेडी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। एंड चौथा क्या होने वाला है गाइज उसके बारे में मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ पर मतलब यूज करने वाला ही है, तो आप लोगों को मतलब इस तरह से कुछ न्यू आइटम्स भी यहाँ पर BR के अंदर मिल जाएगी। फिर गाइज यहाँ पर नेक्स्ट बैनर के अंदर हम लोगों को बताया गया है कि बरमूडा मैप के अंदर भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पर पहला चेंज आप लोगों को मिल जाएगा बरमूडा फ्रोजन नाम से। तो भाई देखो यहाँ पर मैप के अंदर जितनी भी नदी आप लोगों को मिल जाती है, क्या बोलते हैं तालाब होता है, नदी तो नहीं है, तो तालाब आप लोगों को मिल जाते हैं वो तालाब गाइज यहाँ पर फ्रोजन हो जाएंगे मतलब जाम हो जाएंगे, उसके ऊपर आप लोग मतलब दौड़ पाओगे स्केटिंग कर पाओगे, जैसे गाइज आप लोग मतलब रियल लाइफ में कैसे मतलब पानी जो मतलब होता है वो बर्फ पड़ती है तो कैसे जम जाता है, तो वैसे गाइज यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट से अपने फ्री फायर का भी जो पानी है वो यहाँ पर जम जाएगा, उसके ऊपर आप लोग मतलब स्केटिंग कर पाओगे। फिर गाइज यहाँ पर दूसरा चेंज आप लोगों को मिल जाएगा पिक के अंदर। यहाँ पर गाइज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हूँ कि पिक का जो सेकंड फ्लोर है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप कैसे होगा, तो आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट से यहाँ पर एक जंपिंग शूज मिलेंगे, उससे गाइज आप लोग यहाँ पर पिक का जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर आ पाओगे। लेकिन गाइज इसमें खतरा बहुत है, अगर भाई कोई नीचे से ग्रैंड करता है ना तो आप लोगों को डैमेज पड़ेगा, तो आप लोगों को फुल्ली मतलब यहाँ पर ढेर सारे जो ग्लू वॉल लेकर आना है एंड आप लोगों को यहाँ पर पैक होकर मतलब कैंप करना है, तो आप लोग कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर ये चेंज होने वाले अपने बरमूडा मैप के अंदर, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। फिर गाइज यहाँ पर नेक्स्ट बैनर के अंदर आप लोगों को गिल 2.0 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है। तो यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हो, मैं पहले भी आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को एक स्काइविंग मिलने वाली है, तो चार प्लेयर गाइज स्काइविंग के ऊपर बैठ पाएंगे। फिर गाइज उसी के नीचे आप लोगों को एक इमोट मिल जाता है जिसका नाम है रूरल फ्लैग इमोट। तो भाई ये वाला जो इमोट है ये भी आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट से यहाँ पर फ्री में क्लेम करने को मिल जाएगा। फिर गाइज यहाँ पर राइट साइड में आप लोग ऊपर देखो तो यहाँ पर रीजन टॉप 1 आप लोगों को गिल टाइटल मिलेगा, मतलब कि गाइज आप लोगों की गिल्ड अगर रीजन के टॉप 1 पर आती है तो आप लोगों को इस प्रकार से एक जो टाइटल है, इस प्रकार से आप लोगों को एक मतलब जो क्या बोलते हैं वो आइकन है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों की गिल्ड को। फिर गाइज उसी के नीचे आप लोगों को यहाँ पर कुछ वॉइस पैक भी मिलेंगे, तो वॉइस पैक कौन से होने वाले, चलो गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। यू आर स्नो कूल, देयर इज आइस इन माय वेंस, चिल ब्रो चिल,
Happy New Year! We are on fire! तो इस तरह के यहाँ पर कुछ वॉइस पैक होने वाले जो कि आप लोगों को शायद डायमंड से या फिर आप लोगों को गोल्ड से परचेस करने को मिल जाएंगे। अब फ्री में मिलेंगे या फिर आप लोगों को इसको परचेस करना पड़ेगा वो गाइज अभी मुझे पता नहीं चला है, लेकिन गाइज वॉइस पैक मेरे पास आ गए थे तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सुना दिया। इसके अलावा गाइज नेक्स्ट बैनर के अंदर यहाँ पर काफी सारे कैरेक्टर्स आप लोगों को मिल जाते हैं, तो कैरेक्टर के अंदर भी यहाँ पर गरना वाले वो चेंजेस करने वाले। काफी कैरेक्टर को यहाँ पर बढ़िया बनाया गया है एंड काफी कैरेक्टर को यहाँ पर मतलब उनकी जो एबिलिटी है उनको यहाँ पर इतना मतलब बेकार कर दिया कि आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट से यहां पर इस्तेमाल करने का मन ही नहीं करेगा। तो ये सारे कैरेक्टर्स होने वाले जिनके गाइस एबिलिटी के अंदर करने वाले चेंज करने वाले। एंड लास्ट जो बैनर यहां पर निकल कर आता है उसमें गाइस यहां पर अपनी जो गन है उसके अंदर यहां पर एडजस्टमेंट किया है, जहां पर गाइस M249 एंड जो एक्समेट है उसके अंदर बफ आप लोगों को मिल चुका है एंड लॉन्चर मिनी यूजी एंड जो M10 है उसके अंदर गाइस आप लोगों को नर्फ देखने को मिला है। मतलब कि गाइस यहां पर उनकी जो एबिलिटी है उनके यहां पर जो मतलब क्या बोलते हैं एबिलिटी बोलते हैं ना, तो एबिलिटी के अंदर यहां पर थोड़ा मतलब उन्होंने मतलब कम कर दिया उसकी एबिलिटी को। क्या मैं आप लोगों को बताऊं उनके जो एट्रीब्यूट्स है ना, हाँ एट्रीब्यूट्स है ना वो यहाँ पर थोड़े मतलब कम कर दिए गरेना वालों ने। तो नेक्स्ट अपडेट से गाइज ये सारे मतलब वेपन होने वाले जिसके गाइज अंदर आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आप लोगों को यहाँ पर अपने नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर कौन से बंडल्स आप लोगों को मिलेंगे उनका रिव्यू करा देता हूँ। तो गाइज फर्स्ट वाला जो बंडल आता है वो आता है अपना व्हाइट शेडो बंडल जो कि काफी डिमांडिंग बंडल है, ये आप लोगों को मिल जाएगा एंड इसी का फीमेल वर्जन भी मिल जाएगा। फिर गाइज यहाँ पर एक सिल्वर गोडेस नाम से बंडल आप लोगों को मिलेगा, तो ये फीमेल का बंडल होने वाला है, शायद इनक्यूबेटर का बंडल है एंड इसी का मेल वर्जन, ये दोनों बंडल भी आप लोगों को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर वापस से एक फीमेल बंडल आता है जिसका नाम है वाटर एलिमेंटल बंडल, सो ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। फिर गाइस यहाँ पर काफी सारे प्लेयर्स का पसंदीदा बंडल है वैम्पायर बंडल, सो ये भी आप लोगों को मिल जाएगा और इसी का जो फीमेल वर्जन है ये भी आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर मिल जाएगा। फिर गाइस यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा जो बेस्ट बंडल लगा वो ये वाला बंडल है, स्कल वाला आप लोग देख सकते हो, काफी ओल्ड एंड काफी रेयर बंडल है, सो ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। ये मेल बंडल है एंड इसी का फीमेल बंडल भी आप लोगों को मिल जाएगा। और लास्ट में गाइस आप लोगों को यहाँ पर स्पेस सोल्जर बंडल जो कि एक मेल बंडल होने वाला है एंड इसी का फीमेल वर्जन आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर मिल जाएगा। सो ये गाइस यहाँ पर कुछ बंडल्स होने वाले जो कि आप लोगों को अपना OB42 का अपडेट आएगा उसके बाद में यहाँ पर अपने मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर मिलने वाले। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस आज की वीडियो के लिए। आई होप गाइस आप लोगों को आज की वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो गाइस आप लोगों को पसंद आई हो तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला जो बेल नोटिफिकेशन है उसे जरूर से प्रेस कर देना। मैं मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।